सुजानगढ़ के लोहरागढ़ा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में शिव बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए केंद्र संचालिका बीके सुपरवा ने कहा कि संसार में सतयुग आने वाला है और हम सब लोग शिव बाबा के इस पुनीत कार्यों में सहयोगी आत्माएं हैं। बीके सुपरवा ने कहा कि स्मृति दिवस या कहें कि इस दिन शिव बाबा ने अपने संपूर्ण रूप को सर्वगुण संपन्न होकर प्राप्त कर लिया था। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं को सहज राजयोग का अभ्यास भी करवाया गया। कार्यक्रम में बीके नीलम, बीके शिल्पा, रामाकिशन जांगिड़, प्रेम किशोर चौहान, बीके रतनलाल प्रजापत, बीके राम सिंह, राजकुमार प्रजापत, तिलोक चंद दुधवाल, बीके बालकिशन, राजेंद्र सोनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। आज 18 जनवरी के निमित्त 20 जनवरी को ये स्मृति दिवस हम मनाया कि आज के दिन में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अपने संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किए थे। तो ये दिन स्मृति दिवस सोसमर्थि दिवस कहा जाता है कि उन्होंने वो स्थिति को प्राप्त किया, संपूर्ण नष्टो महाबन परमात्मा पिता पे संपूर्ण समर्पण हो गए और स्मृति स्वरूप बन गए थे। और उनको हम जब याद करते हैं हमारे अंदर में भी वो प्रेरणा भर जाती है, वो शक्ति भर जाती है, वो हिम्मत आ जाती है कि कैसे हम भी प्रभु समर्पित होकर अपने जीवन को संपन्न और संपूर्ण बनाए। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राजकीय सुजानगढ़ नागरी परिषद उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिल्ली निवासी स्वर्गीय सविता देवी मेहंदी रता की स्मृति में उनके पुत्र संदीप मेहंदी रता के सौजन्य व विनय भोजक की प्रेरणा से जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरिधर शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में 5 सरकारी स्कूलों के 225 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास रहे, जबकि बतौर विशिष्ट अतिथि शिक्षा विभाग के संदर्भ व्यक्ति बलदेव ढाका, श्री कृष्ण गो सेवा समिति के मूलचंद तिवाड़ी, क्लब सचिव महावीर मिरणका, हाजी मोहम्मद, गिरधर शर्मा, योगेंद्र भोजक आदि लोग मंचस्थ रहे। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय पर बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित मोसुण के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी करने के दौरान ही कुछ देर में आयुक्त कमलेश कुमार मीणा पहुंच गए, जिनको युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित मोसुण के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर वार्ड नंबर 56 में 57 की गलियों से गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था किए जाने, गलियों में सड़कें बनवाए जाने की मांग की गई। अमित मोसुण ने आयुक्त को बताया कि एक बार आप मौका मुआयना करके देखें कि लोगों को कैसे हालात में वहाँ पर रहना पड़ रहा है। इस पर आयुक्त मीणा ने कहा कि बजट की उपलब्धता होने के साथ ही इस समस्या का प्राथमिकता के साथ निवारण करवाया जाएगा। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान बीजेपी नेता वैद्य भवनलाल शर्मा, खुशीराम चांद्रा, हिमांशु भाटी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष राजेश सेन, गोविंद सिंह शशांक, भंवर लाल गिलान, शाकिर खान बेसवा, आबिद शिव भगवान दर्जी, हेमंत साखला, योगेश सोनी, सुमित सैनी, विश्वदीप प्रकाशवर, सज्जाद मुरली सेन, सुमित्रा, रणवीर सिंह राणा, नरेंद्र गुर्जर, हिम्मत सिंह, जितेंद्र सिंह, निरंजन सोनी, रामावतार शर्मा, जयंती गुजराती, जुगल शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वार्ड नंबर 56 जगह जगह हर गली के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है और गली गंदे पानी में बड़े खड्डे हो गए, लोग अक्सर गिरते रहते हैं, दुर्घटना होती रहती है। और हमारे जो गली है उसके अंदर पास में स्कूल भी है, वहाँ बच्चे आते हो खड्डों में पानी खड्डों, कई बार बच्चे गिर चुके हैं। नगर परिषद को बार बार इस बार चेता भी गया है लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और पानी भर रहा है, हर गली में पानी भरा हुआ है, रोडों की व्यवस्था नहीं है। ये मान के चलो कि सारी रोडें कच्ची पड़ी है, पिछले 30 वर्षों से अभी तक उसमें एक भी रोड नहीं बनी है। मांग क्या है आप लोगों की? मांग ये है कि जो गंदे पानी की व्यवस्था है वो करी जाए और सड़कों का निर्माण किया जाए। सुजानगढ़ नगर परिषद के अनेक पार्षदों ने जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा जिला बनाने की मांग को लेकर 21 जनवरी को और ही आम सभा को समर्थन दिया है और अधिक से अधिक लोगों से आम सभा में पहुंचने की अपील की। वहीं मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा जनसभा के लिए व्यापक स्तर पर जनसंपर्क कर अधिक से अधिक संख्या में शनिवार को सुबह उपखंड कार्यालय पर पहुंचने की अपील की गई है। पिताराम जानी ने बताया कि पिछले एक माह से शहर के मुख्य बाजारों चौराहों पर संपर्क किया जा रहा है, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर प्रत्येक गाँव के व्यक्तियों को जनसभा में आने के लिए न्योता दिया गया है। मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, पिताराम जानी, पूनम चंद मेघवाल, पार्षद सिराज खान कायमकानी, शिक्षक नेता गुरुदेव गोदारा, गंगाधर मूंड, दीनदयाल गुलेरिया, किशन लाल छरंग, पार्षद इकबाल खान कायमकानी, दीपक भास्कर, शिवपाल सिंह राजिया सर, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान कायमकानी, सलीम खान एडवोकेट, पवन भोजक, सद्दाम खान, लिया कतली, आसिफ अली चौहान, गणेश गुलेरिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर नारेबाजी की।
कॉमरेड राम नारायण रुलानिया ने बताया कि जनसभा की व्यवस्थाओं को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे जनहित संघर्ष मोर्चा के सानिध्य में पिछले एक वर्ष से सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए धरना चल रहा है, जिसको लेकर कल 21 तारीख को एक बड़ी जनसभा रखी गई है, जिसमें गांव और शहर के सभी भी आदमी इकट्ठा होकर इसमें जनसभा में आएंगे, जिसमें एक हमारी एक बुलंद आवाज बनकर सरकार से जिला बनाने की मांग करेगी, और जिसमें सभी आज कई पार्षदों ने समर्थन दिया है और कई व्यापारी एसोसिएशनों ने भी हमें समर्थन दिया है, और गांवों से भी भारी जनसैलाब आएगा और सभी शहरवासियों का हमारा इस जिला बनाने की मुहिम में पूरा पूरा साथ है। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 2 में 24 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने का मामला सामने आया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कैलाश माली निवासी वार्ड नंबर 2 ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसका 24 वर्षीय छोटा भाई कृष्णकांत एमटेक की पढ़ाई करता था और पिछले काफी दिनों से तनाव में था। 19 जनवरी की रात को पंखे के हुक से फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। परिवादी ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में पूरे मामले की जांच करवाकर न्याय दिलवाने का निवेदन किया है। पुलिस ने मृत दर्ज कर ली है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।